पेड़ है ये, ऐसे तो जेठ महीने में लगाए जाते थे, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो इसलिए हम इन्हें सावन महीने में लगा रहे हैं। ऐसे तो इनका टाइम जेठ महीने रहता है। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. So ये दोस्तों का मेरे चैनल ब्लॉग्स की दुनिया में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। तो अभी टाइम बज रहे हैं 5, तो देख सकते हैं आप धूप बहुत ही तेज लगी हुई है। तो मुझे अभी कॉल करके छोटे दादा ने बुलाया था, बोला खेत को जाना कुछ पेड़ लगाने हैं, तो अभी जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस चीज़ के पेड़ है। अभी मुझे भी नहीं पता कि किस चीज़ की प्लानट पेड़ लगाने हैं, तो मैं आपको नीचे खेत में जाके दिखा दूंगा। बस मुझे अपने साथ ये जो फावड़ा होता है ये लाने को कहा है, तो मैं इसे लेके नीचे जाऊंगा और मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि कैसे लगाते हैं पेड़, क्या क्या मतलब उसकी एक्टिविटी रहती है। तो अभी धूप बहुत ही तेज़ है, चलो चलते हैं। बस बोला 20-25 पेड़ लगाने को, लगभग रात हो ही जाएगी, लगभग 8 तो बज जाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा, देखते रहना लास्ट तक ब्लॉग। तो चलो चलते हैं अभी। तो दोस्तों जो मेरा ये ब्लॉग आ रहा है बहुत ही लेट आ रहा है, लगभग बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं आए। तो मैं मतलब अब डेली मतलब डालता रहूँगा ब्लॉग, मतलब क्योंकि पीछे कुछ काम था, मतलब काम में बिजी था, तो जिस कारण मतलब ब्लॉग नहीं बना सका। तो बस अब से डेली ब्लॉग आएंगे, देखते रहना। तो अभी तो फिलहाल खेत की ओर जा रहे हैं पेड़ लगाने, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पलम भी तैयार हो चुके हैं, ये है मैरीपोजा, देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मतलब खाने के लिए हर कुछ ही। यहाँ देख सकते हैं खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, देख सकते बिल्कुल पेड़ भरा हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं खेत में, बिल्कुल हमें यहीं पेड़ लगाने हैं, परे सामने लगाने, देख सकते परे चाचू दादा दादी भी है। तो मैं आपको यहाँ पेड़ भी दिखाता हूँ, प्रोमोग्रेनेट के पेड़ है, मतलब छोटे छोटे अनार के पेड़ है। आपको मैं ये पेड़ देख सकते हैं यहाँ पर, आपको इनको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहे प्रोमोग्रेनेट के पेड़, देख सकते हैं आप, ये क्रेट में पड़ रहे हैं और यहाँ पर है थोड़े से पेड़, तो सब लगाने हैं नीचे, नीचे लगे हुए देख सकते हैं आप। तो मौसम भी अब मतलब बहुत सुहाना सा हो गया है, धूप चली गई है फिलहाल। तो देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर पहले गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके बाद जो ये पेड़ है प्रोमोग्रेनेट के इसके अंदर डाले जाएंगे। तो यहाँ भी दादा लगे हुए हैं और दादी परे रही, ये चाचू पहले इसे मत खुदाई कर रहा है, मतलब गड्ढे की छोटा सा गड्ढा बनाएगा पहले। थक चुका हूँ थोड़ा सा, मतलब तो अभी मतलब जो एक खेत है मतलब ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जाएंगे हम यहाँ से ऊपर को, जो ऊपर वाला खेत है तो यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जो ये पेड़ है ये ऐसे तो जेठ महीने में लगाए जाते थे, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो इसलिए हम इन्हें सावन महीने में लगा रहे हैं। ऐसे तो इनका टाइम जेठ महीना रहता है, तो अभी सावन महीना चला हुआ है तो अभी लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल बारिश वरिश चली होती है तो इन पेड़ों को बारिश की ज़रूरत रहती है। तो बस इसी कारण मतलब सावन महीने में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल डेली बारिशें चली हुई है, शाम शाम को तो डेली आती है रात को, तो तब करके लगाया जा रहा है। तो अभी यहाँ से ऊपर को पेड़ लगाएंगे, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी पुनी पी लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा थक चुके हैं, तो चलो पहले पानी पी लेते हैं। Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing, my whole world has shifted again.
talking. Few moments later. तो दोस्तों अभी टाइम 8 बज रहे हैं, मतलब हालत बहुत खराब हो चुकी है। देखते हैं, अंधेरा हो चुका है और अभी हम खेत में ही है। मतलब अभी तक हम कंटिन्यू लगे हुए थे, जैसा कि आपको पता ही है मैं घर से 5 बजे आया था और अभी तक मतलब काम ही कर रहे थे, रेस्ट तो बीच में बिल्कुल भी नहीं किया। और अभी पूरे 8 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। तो बस अब घर की ओर जा रहे हैं, पेड़ मतलब लगा लिए टोटली, लगभग वो 45-50 पेड़ थे मतलब वो सारे लगा लिए। तो अब चलते घर की ओर, घर जाके नहा धो लेते हैं। और हालत मतलब बहुत ही खराब हो चुकी है अभी, मतलब पूछ भी नहीं सकते आप, इतना थक चुका हूँ। चलो चलते हैं। सो दोस्तों अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ और हालत हो चुकी मतलब टाइट। तो अब फोन तो मैं सबसे पहले चार्जिंग में लगा दूंगा क्योंकि बैटरी बहुत ही कम है, और चले जाऊंगा नीचे, हाथ पैर धो लूंगा, उसके बाद खाना खुना खाएंगे। तो बस अब ब्लॉग का भी एंड करने का टाइम आ गया है, तो बस अब ब्लॉग का भी एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया, आज हमने प्रोमोग्रेनेट के प्लांट लगाए, मतलब 40-45 पेड़ लगाए। तो बस अब इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।